सुप्रभात बच्चों, एसेंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है संधि। पिछली कक्षा में हमने संधि पढ़ी थी। संधि के अंतर्गत हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी। आज हम गुण संधि और यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है अर्ध गुण। यदि अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई हो तथा अ या आ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ हो तथा अ या आ के बाद री या दीर्घ री हो तो क्रमशः ई या दीर्घ ई के स्थान पर ए, ऊ या दीर्घ ऊ के स्थान पर ओ, री या दीर्घ री के स्थान पर अर हो जाता है। ई या दीर्घ ई को ए, ऊ या दीर्घ ऊ को ओ, री तथा दीर्घ री को अर हो जाता है। इसका संधि करने पर पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं, जिसमें पूर्व पद का द्वितीय वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इनमें संधि होती है। जैसे उपधन इंद्र, तो उपेंद्र शब्द बना। ये उपेंद्र कैसे बना? उप प का प में अ मिला होता है तो ये अ बाहर निकालेंगे। धन इंद्र, ई इंद्र में ई को बाहर निकालेंगे। ई को ए आदेश होता है तो ई के स्थान पर ए आने पर उपेंद्र शब्द बना। अगला अत्र धन इति, अत्रेति। अत्रेति कैसे बना? अत्र में त्र का अ और इति का ई, ई को ए बनता है, ई के स्थान पर ए आने पर अत्रेति शब्द बनता है। गण धन ईश, गणेश। गण ण का अ और ईश का ई, ई को ए आदेश होता है, ई के स्थान पर ए आने पर गणेश शब्द बनता है। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। सूर्य में य का अ और उदय का ऊ, ऊ को ए ओ आदेश होता है और ऊ के स्थान पर ओ आने पर सूर्योदय शब्द बनता है। महाधन उदय, महोदय। महा में आ और उदय का ऊ, ऊ को ओ आदेश, ऊ के स्थान पर ओ आने पर महोदय शब्द बना। अक्ष धन उहिणी, अक्षोहिणी। अक्ष का श का अ और उहिण का ऊ, इनको संधि होने पर ओ बनता है और ऊ के स्थान पर ऊ आने पर अक्षोहिणी शब्द बनता है। कृष्ण धन वृद्धि, कृष्णि। कृष्ण में न का अ और वृद्धि का रि, बाहर निकलने पर रि का अर हो जाता है। जैसे कृष्ण में ण में अ और वृद्धि का रि, इसका अरादेश होता है और इसका मेल करने पर कृष्णर्दि शब्द बनता है। अगला राज धन ऋषि, राजर्षि। राज में ज का अ और ऋषि का रि, अ और रि का अर बनता है और इसका मेल करने पर राजर्षि शब्द बनता है। आगे हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणची। सूत्र के द्वारा इक, इक में ई ऊ री री के स्थान पर यण आदेश होता है। यण में य व र ल वर्ण होते हैं। अगर अच परे रहने पर अर्थात ई या ई तथा ऊ या दीर्घ ऊ, री या री और री स्वरों के सामने अन्य कोई स्वर हो तो क्रमशः ई या दीर्घ ई के स्थान पर य, ऊ या दीर्घ ऊ के स्थान पर व, री तथा दीर्घ री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल होगा। जैसे अति धन उत्तम, अत्युत्तम। कैसे बना? अति में ई है, इस ई को बाहर निकाला और ऊ में असमान स्वर है तो ई को य आदेश होगा तो ई के स्थान पर य आने पर अत्युत्तम शब्द बनता है। आगे प्रति धन एकम, प्रत्येकम। कैसे बना? प्रति में त में ई में है तो इस ई को बाहर निकाला और एकम में ए है जो कि एक असमान स्वर है, ई को ये आदेश होता है तो ई के स्थान पर ये आने पर प्रत्येकम शब्द बनता है। मधु धन अरिही, मधुअरिही। मधु में द में ऊ है तो इसको बाहर निकाला, धन अरि में अ, असमान स्वर आने पर ऊ को व होता है तो ऊ के स्थान पर व आने पर मधुअरी शब्द बना। अनु धन आगच्छति, अनुआगच्छति। अनु में न में ऊ है और आगच्छति में आ असमान स्वर है, ऊ को व होगा तो
ओके स्थान पर वाहन पर अनवा गच्छति शब्द बना। मातृ धन आज्ञा मात्राज्ञा, मातृ में त में री है और आ असमान स्वर है तो री के स्थान पर र आएगा और त में र मेल होने पर त्र बनता है तो मात्राज्ञा शब्द बनेगा। सावित्री धन उदय सावित्रोदय, त में री है तो री निकला और उ असमान स्वर है री को र बनता है तो री के स्थान पर र आने पर सावित्रोदय शब्द बनेगा। री धन आकृति ही लाकृति, री धन असमान स्वर आ है तो री को ल बनेगा और री के स्थान पर ल आने पर लाकृति शब्द बनेगा। री धन अनुबंध लनुबंध, ली धन अ में असमान स्वर है तो री को ल होगा और ल री के स्थान पर आने पर लनुबंध शब्द बनेगा। अब आपका गृह कार्य शब्दानाम संधि विच्छेद कुरुत। पहला शब्द है वद्वागमनः, वद्वागमः सुद्युपाश्यः धात्रस्यः भवनोपरि। धन्यवाद।